50 किलोमीटर अभी मेरे को ट्रैवल करना है। बंद है, बंद है, बंद है रास्ता, ढेर सारा पत्थर, ब्लॉक का रास्ता पूरा। गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं आपका बाली। तो भाई जी, आज मैं अभी उठा हूं तकरीबन 10 बजे, नींद पूरी की आराम से। मैं भी सोचा कि चलो नींद पूरी करते हैं, थकावट नहीं होनी चाहिए अपनी नेक्स्ट राइड के लिए। और भाई रूम की ये हालत है, सामान सारा मैंने पैक कर लिया है, सारे अपना हेलमेट साफ करके गीला कपड़ा मार के रेडी कर दिया इसको। और भाई अभी मेरे को भी पता नहीं है मैंने कहाँ जाना है, ठीक है। बस इतना पता है कि मेरे को ना टॉय ट्रेन में बैठना है जरूर एक बार, ठीक है। और उसके बाद मैं तो कुछ इस तरह से लग रही है भाई बाइक मेरी, लगेज रेडी, ठीक है। और कल एक हादसा हुआ था जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, एक बुलेट वाला जाना अपोजिट साइड से आ रहा, तो इस तरह से इधर से टकराया और मेरा ये लगेज बैग फट गया था, ठीक है। तो मोची से भाई सिलवा लिया, उसको 80 रुपये दिए मैंने, ठीक है। तो भाई फिर से ऑन रोड हो गई है गाड़ी, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लमें आती हैं, ठीक है, तो उनको टैकल करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी टाइम हो गया लगभग 1 बज गए, तो निकलते हैं भाई। भाई जी, ये है दार्जिलिंग का एक छोटा सा स्टेशन जिसको टाय ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज आपको ये घुमाते हैं टाय ट्रेन दार्जिलिंग की, काफ़ी मशहूर। ये देखो छोटा सा इंजन है और जो ट्रेन के डिब्बे ऐसे लगते हैं जैसे बस हो ना, छोटी बस के जैसे। ये देखो छोटा सा इंजन है, ये देखो। ये देखो ये पीछे दो कोच लगते हैं, सिर्फ तीन कोच लगे हुए हैं, तीन कोच। ये देखो टूरिस्ट, वैसे मैक्सिमम इसमें भाई टूरिस्ट ही जाते हैं, ठीक है, लोकल लोग कम ही जाते हैं। ये आखिरी डिब्बे में हम भी चढ़ जाते हैं। तो ये टॉय ट्रेन दार्जिलिंग की। पर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यार, देखो ये अभी देखो इधर डीजल इंजन आ गए, देखो ये डीजल इंजन है, छोटा सा बनाया गया, ठीक है, ये अभी आया, ठीक है। और जो पहले इंजन थे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो विंटेज उस साइड खड़े हैं। ये भाई स्टीम इंजन देखो, ये कम चलते हैं बट वो डीजल वाले अभी आजकल ज़्यादा चलते हैं इधर। बट जो असली जो चार्म था ना भाई, जो स्टीम निकलती है जो चलता है, तो भाई उसी में आता है, ठीक है। आपको कौन सा अच्छा लगता है, डीजल वाला या स्टीम वाला, बताना कमेंट करके। भाई राइड अभी शुरू हुई नहीं आज की और पंचर पहले हो गया। कल इसमें पिछले टायर में मैंने 40 पॉइंट रखी थी हवा, और अभी 10 पॉइंट हो गया। वो देखो कितना बड़ा पंचर लगा हुआ है। अभी कुछ निकाला है इसमें से आपने? पत्थर से कटेगा तो फिर तो मुश्किल है। इस तरह से ट्रेन भी साथ चलती है और गाड़ियाँ भी साथ ही चलती हैं, और रेलवे स्टेशन भी सड़क के साथ ही बने हुए हैं, ठीक है। बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो भाई जब साथ में ट्रेन भी चल रही हो और दोनों तरफ का रास्ता हो गाड़ियाँ, तो भाई थोड़ा ट्रैफिक रहता है। तो दार्जिलिंग से भाई अभी गुरुदंगमर लेक की तरफ जा रहा हूँ, और एक बंदे से मैंने पूछा, जो लोकल बंदे थे दार्जिलिंग के, मैंने बोला कि कैंपिंग साइट कोई ऐसी जहाँ पे मैं कैंपिंग कर सकाऊँ, ऐसी जगह मेरे को बताओ। तो वो बंदे बोले कि यहाँ पे आपको होटल्स में ही ठहरना पड़ेगा, ऐसे पार्टिकुलर कोई कैंपिंग साइट है नहीं है। और ऐसा ही सेम भाई लद्दाख में भी है, कोई कैंपिंग साइट तो लद्दाख में भी है नहीं है, है ना। जब मैं 2022 में लद्दाख किया था तो यहाँ मैंने कैंपिंग की थी, वहाँ कोई कैंपिंग कर तो नहीं सकते, पर अपनी विल के ऊपर है भाई, है ना। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है भाई पानी की, जैसे पानी कैंपिंग के लिए थोड़ा पानी चाहिए होगा नज़दीक कहीं ना, जहाँ तो आपको कहीं से कैरी कर लो। तो दार्जिलिंग सिटी में भी पानी की बहुत किल्लत है भाई, ठीक है। तो अभी देखते हैं हमारा क्या बनता है। कैंपिंग तो करूँगा आज, होटल में तो ठहरने से रहा, ठीक है।
वाह, ग्रीनरी ही ग्रीनरी। और दार्जिलिंग अगर आप आते हो ना भाई, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे अपने बाइक से ही आना है, आप ट्रेन से आ सकते हो, इधर गाड़ी से आ सकते हो, ठीक है। और यहाँ आके आप अपनी जो बाइक है वो रेंट पे ले सकते हो, बाइक रेंट पे मिल जाती है, स्कूटी रेंट पे मिल जाती है। और दार्जिलिंग के आसपास आप बाइक से एक्सप्लोर कर सकते हो, कहीं दूर भी जाना हो दूर भी जा सकते हो, ठीक है। और रेंट है जो बाइक बाइक पे डिपेंड करता है, स्कूटी का थोड़ा कम है ना, जैसे हिमालयन बाइक लोगे तो उसका थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, सिंपल जैसे क्लासिक ले लेते हो कोई उसका थोड़ा कम मिलेगा। तो तकरीबन 2000 रुपये अगर आप हिमालयन लेते हो तो 2000 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा आपको बाइक, ठीक है। और पेट्रोल वगैरह वो आपका तो अपना ही होगा, वो तो अंडरस्टूड ही है। तो 2-3 दिन अगर आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, क्योंकि अपनी बाइक हो तो ज़्यादा बंदा अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाता, खुल के जहाँ सेल्फी लेनी है वहीं सेल्फी लेता है और रुक रुक के अपनी मर्जी से। तो अगर आना चाहो दार्जिलिंग तो आ सकते हो आप, बड़ी अच्छी जगह। और गर्मियों में भाई मैं कहता हूँ कि रिकमेंडेड प्लेस है, ठंडा मौसम। मेरे होटल में जहाँ मैं ठहरा था वहाँ भाई गीज़र उन्होंने चालू नहीं किया था, तो मेरे को ठंडे से नहाना पड़ा, तो ऐसे ही लग रहा था बिल्कुल बर्फ बड़ा जमा हुआ पानी। तो सर्दियों में जब आपको ऐसा, गर्मियों में खासकर आपको एक ऐसी जगह मिले यहाँ पे रजाई लेके सोना हो तो भाई साहब ये देखो इधर धुंध पड़ी हुई है, और ये देखो नज़ारे। अभी मैं टाइगर हिल के बिल्कुल नज़दीक हूँ, और ये पहाड़ी से ऊपर का व्यू है, नीचे टी गार्डन, ठीक है। और इन टी गार्डन में हमें लेके आई है भाई ये मेटियोर, सोलर प्लेट वाली मेटियोर बोल सकते हैं इसको। मेरे को नहीं लग रहा कि और किसी ने सोलर प्लेट लगाई हो बाइक में ये पहला ही बंदा होगा, पहली मोबाइल को, ठीक है। ये पहली मेटियोर होगी जिसमें सोलर प्लेट, इन्वर्टर, बैटरी वगैरह लगी हैं। और इधर के नज़ारे तो भाई अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत, वाह। और आगे भाई धुंध जैसी पड़ी हुई है, आगे पहाड़ियाँ दिख नहीं रही, बस सूर्य देवता हल्के से दिख रहे हैं। तो भाई दार्जिलिंग जो टाइगर हिल आती है बीच में, उसके बाद जो आगे गैंगटोक का रास्ता है ना, सारा नीचे ही है, नीचे की तरफ ही जाता है एकदम ढलान। तो यहाँ पे भाई एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप ना ब्रेकिंग ब्रेकिंग जब करनी है तो क्लच को नहीं दबाना है, तीसरे या दूसरे गियर में रखो, ठीक है। इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करो, ठीक है। इंजन ब्रेकिंग जो आप करोगे ना ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। अगर आपने क्लच दबा के आप ब्रेकिंग कर रहे हो तो भाई वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती है, और वो आपकी जो ब्रेक्स हैं ना उनका भी धुआं निकल जाएगा, ठीक है। तो इंजन ब्रेकिंग काफ़ी इफेक्टिव रहती है। देखो मैंने अभी सेकंड गियर में डाला हुआ है, क्लच नहीं दबाना है, दबाना है तो, और दोनों ब्रेकें एक साथ इस्तेमाल करनी है, पीछे वाली भी और आगे वाली भी। इंजन ब्रेकिंग तीन तरह की देखो ब्रेकिंग लगेगी जब आप ब्रेक लगाओगे, एक तो इंजन ब्रेकिंग हो गई, दूसरा फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हो, और पीछे वाली ब्रेक इस्तेमाल हो रही है, ठीक है ना। तो एकदम से पकड़ बनेगी आपकी जितनी मर्जी ढलान हो। और अगर आपने क्लच दबा दिया गाड़ी हो गई फ्री, बस फिर स्किड कर जाएगी भाई, बहुत तेज ढलान है। और जो ये रोड है ना, अभी फूलों का सीजन है, दोनों तरफ रोड के फूल दिख रहे हैं। लोग ना यहाँ के काफ़ी सफाई भी रखते हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, कि कल से देख रहा हूँ सफाई का काफ़ी ध्यान है भाई, हाइजीन का काफ़ी ख्याल है, चाहे आप रेस्टोरेंट में हो कहीं। तो एक चीज़ पक्का बोलूँगा कि बंगाल से ना यहाँ का फ़र्क है, कल्चर का ही फ़र्क है, बहुत फ़र्क है दोनों का, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में
जमीन आसमान का फर्क है, मौसम का फर्क है, कल्चर का फर्क है, लोगों का फर्क है, ये अलग ही देश लग रहा कहीं। गरलांग स्टेडियम, ऐसे धुंध जैसे सर्दियों में नहीं धुंध रहती वैसा है। अभी टाइम पता कितना हुआ है, 5:58। ये देखो टी गार्डन, भाई सोलो चलने में ना दिक्कतें आती हैं, बहुत आती हैं भाई, उनको हैंडल करना पड़ता है अकेले ही। अभी क्या हुआ है कि पीछे वाली ब्रेक है वो 2-3 बार प्रेस करने के बाद एक बार लग रही है, ठीक है, 2-3 बार प्रेस करने के बाद, वो भी ढलान में भाई, बहुत रिस्की था। अभी भाई को बोला है मैंने, प्रेशर निकाल रहे हैं भाई, तो भाई अभी भाई मिल गया रोड के ऊपर ही टाइम से ही, तो उन्होंने कर दिया इसको ठीक। एक्चुअली क्या होता है कि उसको लूज़ करके ना उसका थोड़ा सा प्रेशर बनाना होता है ऐसे करके, तो 2-3 बार किया है, तो अभी ब्रेक बिल्कुल एकदम कड़क हो गई है। कोई बात नहीं, टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं, बट अभी सेफ्टी ही पहले है, ठीक है। हमने कोई ट्रेन नहीं पकड़नी, हमारी कोई ट्रेन निकल नहीं रही, ठीक है, जहाँ लेट हो जाएंगे वहीं डेरा डाल लेना अपना। और ये बाज़ार पता नहीं कौन सा है, ठीक ठाक बाज़ार से है। और भाई एक चीज़ बताऊंगा, अभी दार्जिलिंग से मुश्किल से 35 किलोमीटर, मुश्किल से 35 किलोमीटर मैं नीचे उतरा हूँ गंगटोक वाली साइड में, और मौसम चेंज, इतना फ़र्क है भाई 35 किलोमीटर में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 35 किलोमीटर में रजाइयाँ ले रहे हैं और यहाँ भाई पंखे लगाने की नौबत आ रही है अभी। कमाल है, इतना चेंज, ड्रास्टिक चेंज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। भाई देखो कश्मीर में है ना टेम्परेचर चेंज होने में कम से कम भी जम्मू से जाओगे कितना 270-280 किलोमीटर ट्रैवल करके जाओगे फिर जाके मौसम चेंज होता है ना। बट यहाँ भाई माना कि पहाड़ियाँ एकदम से चीड़ी सीधी हैं पर इतनी भी ज़्यादा नहीं है भाई, है ना, 35 किलोमीटर में ही मौसम बिल्कुल पलटी मार जाता है एकदम। और अभी मौसम बिल्कुल चेंज हो गया भाई, हेलमेट के अंदर भी ना महसूस कर पा रहा हूँ गर्मी को, दिल कर रहा है इसका शीशा खोलूं, हेलमेट के अंदर पसीना आना शुरू हो गया। और इस साइड मेरे इतनी बड़ी नदी है ना, अभी अंधेरा मैंने क्या दिखाना था आपको दिखाया नहीं, बहुत बड़ी नदी, नाम मेरे को पता नहीं है पर भयंकर वाली नदी बोलते हैं ना जिसको, भयंकर नदी, भयंकर नदी है इस साइड मेरे लेफ्ट साइड। नौ 19 किलोमीटर पिक्योंग 35 मनीला 87, यहाँ तो हमने जाना ही नहीं है। और इधर भी चेक पोस्ट है अभी, और चेक पोस्ट पता नहीं किसके लिए है, हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। भाई जी ये देखो ये टर्निंग ना, जिसने भी ये गलत रास्ता ले लिया ना तो कहीं का नॉर्थ का साउथ, साउथ का साउथ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो भाई ये वाला जो टर्निंग है ना ये वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको, अगर आपने ये गलत रास्ता चुन लिया तो जो नॉर्थ वाला साउथ पहुंच जाएगा और साउथ वाला नॉर्थ पहुंच जाएगा। अगर देखो मेरे को जाना है अभी गुरदंगमर लेक जाना है तो मेरे को जाना है नॉर्थ सिक्किम यानी कि मंगन होते हुए, और साउथ से सिक्किम जैसे लिंगी जाना है तो वही साउथ वाला रास्ता, ये वाला, ठीक है। तो
अभी मेरे को जाना मंगन, तो मैं जाऊंगा राइट वाला, ठीक है। बिल्कुल ही डिफरेंट है भाई ये, फिर कनेक्ट नहीं होगा आपस में, ठीक है। भाई जी एक गुड न्यूज़ ये है, मैं मंगन जा रहा हूँ, मंगन अभी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, और दो बाइकर मिल गए हैं जो मंगन का ही है, ठीक है। तो भाइयों से बात किया करें कि हम आपको लेके चलते हैं मंगन, आपको कैंपिंग की जगह भी आपको दिखाएंगे। वो तो डिनर के लिए ऑफर कर रहे थे, मैंने मना किया, यार डिनर मैं अपना खुद ही प्रिपेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये नेपाल से आ रहे हैं, नेपाल से कौन सी जगह बता रहे थे, वहाँ घूम के आए हैं दोनों भाई। ये मंगन के दोनों लोकल हैं रहने वाले, एक भाई की हिमालयन है, एक की क्लासिक 350 है। देखा भगवान मिलाता है खुद ही बंदों से। भाई मेरे बुरी तरह से चला रहे हैं तो बाइक। तो यहीं रुके हैं भाई, मैं अभी लाचुंग में हूँ, तो अपने दोनों राइडर भाई जो मिले हैं ये यहीं के हैं, लोकल रहने वाले हैं। तो इन्होंने मेरे डिनर का भी इंतजाम कर दे करे कि आप यहीं डिनर करिए, भाइयों से मिलाता हूँ आपको। ये भाई अपने हाय, और दूसरे भाई अपने से हाय। तो ये भाई हैं भाई, इन्होंने ये लोकल मंगन जगह के इधर ही रहने वाले हैं दोनों राइडर। ये दोनों भी लद्दाख करके आ रहे हैं, सॉरी लद्दाख नेपाल, चंद्रपुर करके आ रहे हैं, अभी ऑफ रोडिंग बहुत तगड़ी करके आ रहे हैं। 95% आपको ऑफ रोड था उसमें। तो भाई बोले कि आप इधर ही डिनर करो आज, तो उसके बाद फिर अपना कैंप सेट करते हैं। अच्छा लगा भैया को मिलके, यहाँ भैया आ रहा था रास्ता में, और हमने भी क्या ज्वाइन कर लो हमारा सब। बिल्कुल बिल्कुल, कान ना भोग्नु परेछ, अर्खा मात्रै पो चढ्नु पर्यो। भाई अभी रात के 12 बजने वाले हैं, ठीक है, और अपने को कैंपिंग की जगह भाइयों ने बता दी है। इधर आगे सामने नदी है, जो अभी आवाज़ शायद आप सुन पा रहे हो, ठीक है, और ऐसी जगह है, ठीक है। ये इधर वाशरूम भी है, इधर आगे भाइयों ने बताया इधर वाशरूम है, और इधर सामने अपनी बाइक लग गई है, और अपने सेवियर्स आ गए हैं इधर। देखा दोस्त अपने पहले आ गए, तो अभी टेंट लगाते हैं, टेंट पिच करता हूँ फटाफट।
लो जी टेंट हो गया अपना फिक्स। अभी रात के 12 बज गए और ये इनको फुटबॉल खेलने ज्यादा आग रहा है। ओ भाई हेलो सोन दे यार हैं? नहीं एक और आया। तो लो जी अपना कैंप सेट हो गया ठीक है और लाइटां शाइटां बाकी बैग थोड़ा बहुत सामान ही मैं लेके आया हूँ अंदर ठीक है। बाकी बाइक क्योंकि पास है बिल्कुल नज़दीकी लगी हुई है तो सारा सामान मैंने उतारा नहीं है ठीक है। जो मेरा जरूरत का सामान था एक टॉप बैग उसमें मेरे थोड़े से कपड़े वगैरह चप्पल वगैरह पड़ी थी और निकाला मैंने वाटर बॉटल और अपना ये थोड़ा बहुत जो ज़रूरी का सामान था। इन्वर्टर आ गया अपना इन्वर्टर आके इधर चालू कर दिया इधर इक्विपमेंट चार्ज हो रही है ठीक है। लैपटॉप भी लगा सकता हूँ मैं पर आज लैपटॉप नहीं लगा रहा हूँ मैं क्योंकि ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं है बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि सोलो भी आके कैंपिंग हो सकती है आपकी विल पावर होनी चाहिए। आप पहले अपना माइंडसेट क्लियर करो कि मैंने कैंपिंग करनी है। लोग खुद ही जुड़ते जाएंगे ऊपर वाला खुद ही आपकी हेल्प करता जाएगा। अब शाम के टाइम देखो बंदे मेरे को मिल गए उन्होंने मेरे को खाना भी सजेस्ट किया भी आप यहाँ खाओ अच्छा खाना मिल जाएगा और बाद में मेरे को साइट भी उन्होंने दिखा दी कि आप यहाँ पे कैंपिंग करो बड़ी अच्छी जगह है साफ़ सुथरी है बाइक पास लगी है पास में नदी है वाशरूम नज़दीक है ठीक है। कोई झंझट नहीं है आराम से सोते हैं अभी 12 बजे नहीं है 11:40 हुए हैं ठीक है। तो अभी देखो सारा सामान लाइट इधर चलती रहेगी ये वाली लाइट चला दूंगा इसको इस तरह से रेड कर दूंगा वार्निंग लाइट एक तरह की तो सेफ जगह है बाइक की ठीक है। बाकी कोई डरने की वाली बात नहीं है ये मन का वहम होता है ठीक है। बाकी जो होना है वो होना है ठीक है। बाकी ये ब्लॉग यहीं मैं एंड करता हूँ। मॉर्निंग में बहुत कुछ होने वाला है और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यार एक गुड न्यूज़ है एक बैड न्यूज़ है। पहले बैड न्यूज़ सुनोगे या गुड न्यूज़? चश्मा उतार देता हूँ पहले बैड न्यूज़ सुनाऊँ या गुड न्यूज़? पहले बैड न्यूज़ सुना देता हूँ क्योंकि बाद में गुड न्यूज़ से उसे कंपलसेट कर दूंगा। बैड न्यूज़ ये है कि गुरदोंगमोर लेक का जो रास्ता है वो खुला नहीं है बंद हुआ है बंद ही अभी तक क्योंकि जो अक्टूबर में फ्लड आया था उसमें वो रास्ता पूरा बह गया था तो अभी तक वो चालू नहीं हुआ अभी तक होने वाला भी नहीं है वो ठीक है। बट क्या हुआ है कि कल की न्यूज़ है यस्टरडे निकला है कल की न्यूज़ है कि एक और लेक है वो सेम गुरदोंगमोर लेक जैसी उसकी कल ही न्यूज़ आई है कि वो ओपन हुई है वहाँ की जो पंचायत है उसकी उन्होंने वो एक न्यूज़ दी है कि ये वाली जो लेक है यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं ठीक है। तो जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने बताया कि आप वहाँ जाना वहाँ पे वो विजिट कर सकते हो तो ये गुड न्यूज़ थी। एक वो बैड थी कि वो वहाँ नहीं जा सकते पर भगवान ने बोला कि आप वहाँ जा सकते हो ठीक है। तो कल वहाँ चलेंगे और 0 पॉइंट भी लेके चलूँगा उसके बाद फिर एक और जगह है वहाँ कैंपिंग करूँगा ठीक है। तो ये वाला ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो अच्छी लगे तो अपने ग्रुप में शेयर करो भाई आपका अकेला घूम रहा है ठीक है। गुड बाय टेक केयर।